ऐसे परमात्मा आपके अपने होते हुए आपको किसी चीज की क्या जरूरत है या किसी चीज का क्या डर है? बस एक ही बात में हार जाते हैं कि आपको स्वतंत्रता है। आपकी स्वतंत्रता हम छीन नहीं सकते, क्योंकि आपको परम स्वतंत्रता जब देने की बात होती है तो इस स्वतंत्रता का पूरी तरह से आदर किया जाता है, पर उस आदर में ही मनुष्य खो जाता है, मनुष्य बहक जाता है और ऐसे लोगों के पास चला जाता है जो आपके जीवन के दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं। अनेक हजार वर्षों से इन दुष्टों ने इन भक्तों को सताया हुआ है और आज भी सता रहे, लेकिन वो ऐसा सोंग बना के आए हैं और ऐसी खूबी से आए हैं कि आप उसे पहचान नहीं पाते। सीता जी को भी रावण ने भेष बदल करके भूल में डाल दिया था, तो आप तो मानव जाति हैं, आपको वो अगर भूल में डालते हैं तो इसमें आपका दोष नहीं। पर पार होने के बाद, रियलाइजेशन के बाद, आपको अपने पांव पर खड़ा हो जाना चाहिए और इन सब चीज़ों को छोड़कर झाड़ झूड़ करके एकदम स्वच्छ हो जाना चाहिए। आपकी कोई सी भी परेशानी टिक नहीं पाएगी। प्यार की शक्ति सबसे महान है, इसको आज तक हमने इस्तेमाल नहीं किया, ये आप जान लीजिए। और जिस दिन आप इसको समझ लेंगे कि इस प्यार की शक्ति से आप लाभित हैं और आप जब इसका उपयोग करेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि लगेगा जैसे सारे तारांगण आपके पैर पे लोट खा रहे हैं, सारी शक्तियाँ आपके चारों तरफ हैं, सारे गण आपको संभाल रहे हैं, सारे देवदूत आप पे पुष्प की वर्षा कर। आप ही आज इस रंगमंच पे स्टेज पर आए हैं, आपके लिए सारी सृष्टि बनाई गई है और उस सृष्टि के सर्वोच्च लोग आप ही हैं, और किसके लिए? परमात्मा ने सृष्टि बनाई। लेकिन जो जो गलत काम हो चुके, जो जो गलत बातें हो गई, वो सब भूल करके आज वर्तमान काल में खड़ा होना है, इस प्रेजेंट में खड़ा हो करके, और उस आनंद का भोग लेना है, उस अमृत का भोग लेना है जो आपके लिए लालायित है। स्वयं साक्षात परमेश्वर चाहता है कि आप उसके दरबार में आए और अपने अपने स्थान पे आसन हो, और वो आपको यथोचित आपका आदर करके आपको हर तरह का आनंद प्रदान करे। एक बाप यही चाहेगा और वही वो चाहते हैं, और पूर्णतया वो आपके साथ। आज यहाँ जो हरियाली देख रहे हैं, बड़ा सुंदर सा रचाया हुआ बाग है, ऐसा ही परमात्मा का बाग है समझ लीजिए, और उसमें हर तरह के फूल, हर तरह का आनंद, प्रमोद मोद सब कुछ भरा हुआ है। बस उसमें बैठने की आपकी क्षमता चाहिए और उसके आनंद भोगने की गहराई, इतनी होते हुए सब ठीक हो जाता है। यहाँ के लायन क्लब के लिए क्या कहा जाए, मेरे ख्याल से जन्म जन्मांतर का संबंध सिंह से रहा है और सिंह पे ही इतना काम किया गया है, इसीलिए लायन क्लब से मेरा इतना संबंध जुड़ गया। आपका ये बड़ा ही सुंदर उद्यान है, और इस वाटिका को भी और भी बहुत सुंदर आप बना सकते हैं। एक बार एक अमेरिकन औरत से मुझसे पूछा था कि आपके यहाँ कोई फूल नज़र नहीं आते। मैंने कहा हमारे देश के फूल बहुत छोटे छोटे होते हैं पर अत्यंत सुगंधमय होते हैं, वो बहुत ज़्यादा दर्शनीय नहीं होते, शोई नहीं होते जैसे आपके फूल होते हैं। हर फूल में चमत्कार और मंत्र है। और उन्होंने कहा अच्छा फिर बताइए कि आपके यहाँ इतने तरह के फूल होते हैं। वहीं बैठे बैठे मैंने उनको 40 फूल बता दिए और हर फूल में अत्यंत सुगंध है। अब मैं देखती हूँ यहाँ भी आपको चाहिए कि ऐसे ऐसे फूल, जैसे कि चमेली है, चंपा है और पारिजातक है, जिसका वर्णन आपको देवी महात्म्य में मिलता है। अनेक तरह के ऐसे सुंदर सुंदर फूल हैं, प्राजक्त के फूल हैं, अनंत के फूल हैं, अपने देश में ऐसे अनेक फूल हैं, और जिसके
बड़ी बड़ी शाखाएं बढ़ जाती हैं और सवेरे सवेरे देखिए तो सब दूर आंगन में वो छाए रहते हैं। आपने जिसे हम लोग बकुल कहते हैं और यूपी में उसे मौलसरी कहते हैं, उसका भी पेड़ बहुत सुंदर होता है। जासवंदी के अनेक तरह तरह के सुगंधमय पेड़ आप लगा सकते हैं। जापान में एक स्त्री से मैंने कहा कि आपके बाग बहुत सुंदर हैं, मुझे बड़े पसंद हैं। कहने लगे सुंदर तो है लेकिन आर्टिफिशियल है, नैसर्गिक नहीं है। और इंडियन किसी भी बाग में जाए तो बड़ी सुगंध रहती है और सुगंध अपने देश की विशेषता, इस मिट्टी की विशेषता। आपको आश्चर्य होगा, हम लोग इसे समझ नहीं पाते कि खस में भी इतनी सुगंध है और हर चीज़ में इतनी सुगंध है। हम लोगों को पता नहीं कि बाहर के देशों में आप मिट्टी में हाथ नहीं डाल सकते, अगर डाल दीजिए तो हाथ में फोड़े आ जाएंगे, ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो है वहाँ के पाप से तप्त हो, तप्त होने के कारण वहाँ चूना है। आप कहीं हाथ नहीं डाल सकते, जब तक आप ग्लव्स ना पहनिए आप मिट्टी में हाथ नहीं डाल सकते। लंदन में तो मैंने पहले सोचा था कि मैं वहाँ बाग करूँगी, मैं शाकंभरी का मुझे शौक़ है तो वो मैं चाह रही थी वहाँ भी बाग किया जाए, लेकिन जब देखा कि वहाँ की मिट्टी ऐसी है मैंने कहा छोड़ दिया, मेरा तो शौक ही वहाँ छूट गया। मैंने कहा बाबा अपने हिंदुस्तान में जाके सारा काम करेंगे, ये तो ज़मीन कुछ और ही है। इस ज़मीन पर आप खड़े हुए हैं जिसकी एक एक कण कण से इतना सुंदर सुगंध बहता है, जब ज़रा सी बरसात हो जाती तो कितना सुंदर सुगंध इस सुंदर भूमि से आता है। और आप लोग भी कुछ ना कुछ पूर्व पुण्याय से इस देश में पैदा हुए और इस देश में बसे हुए, सिर्फ इस पुण्याय को पूरी तरह से प्रकाशित करना है, प्रकटित करना है, जो आप सहयोग से बहुत आसानी से कर सकते हैं। रही बात हमारी, तो हम तो आते जाते रहते ही हैं, हर जगह आते जाते हैं, लेकिन बंगाल से हमारा प्रेम बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। अनेक वर्षों की बातें हैं जो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, कुछ जानते नहीं, बड़ी कठिन बातें हुई हैं, बहुत तकलीफ़ें उठाई और इसको इतना समृद्ध किया और इतना इसका सुंदर वन बनाया। और उसके बाद अब देखते हैं कि यहाँ पर इतनी गरीबी, इतनी परेशानी, इतनी आफत, जहाँ पर ये भूत विद्या होगी, जहाँ जहाँ पर ये भूत विद्या होगी वहाँ वहाँ गरीबी रहेगी। अब आप कहें कि यहाँ टाइफून आते हैं और आप लोग उसे नष्ट हो जाए। अब आपको मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं एक बार त्रिचूर गई, वहाँ पर बहुत से लोग मुझे लेने आए, वहाँ बहुत रईस लोग रहते हैं, मोटरे वोटरे लेके आए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब मेरे पास किस लिए आए। पता हुआ कि ये लोग वहाँ तंबाकू की खेती करते हैं, उनके घर में सब इंग्लिश टाइल्स लगी हुई, सब इंग्लिश बाथ्स लगे हुए, सब ये लोग इंग्लैंड तंबाकू बेचते हैं और वहाँ से सब इंग्लैंड से चीज़ें इम्पोर्ट कर करके अपने घर में बड़ी शान से लगाए हुए। अब भाई हम तो ज़रा साफ कहना ही पड़ता है, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो। तो हमने कहा भाई आप लोग मोटरे वोटरे ले के आए, हमें कहना नहीं चाहिए, अतिथि रूप से तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम मां स्वरूप होकर के आपसे कहते हैं कि आप ये तंबाकू लगाना बंद, ये गलत था। तो उन्होंने कहा वाह माँ हम तंबाकू के अलावा क्या लगाएं, तो हमने कहा आप कपास लगाइए, बढ़िया कपास यहाँ होगा, तंबाकू मत लगाइए, तंबाकू राक्षसी है, इसको मत लगाइए। तो कहने लगे कि नहीं पर हम थोड़ी पीते हैं, ये तो हम इंग्लैंड भेजते हैं। मैंने कहा वाह अगर इंग्लैंड भेजते तो कोई पाप नहीं, कहने उन्होंने अपने को इतना सताया, पीने दो तंबाकू, मरने दो उनको। तो मैंने कहा ये कोई तरीका हुआ, ये कोई साधु संतों का तरीका हुआ कि उनको मरने दो, उन्होंने अपने को इतना सताया, जिन्होंने सताया तो कब के मर गए, तो दूसरे आए हुए, उनको सताने से क्या फ़ायदा। लेकिन वो किसी तरह से नहीं माने, लेकिन जब मैंने कहा कि नहीं इसको बंद करना पड़ेगा ये ठीक नहीं, तो वो लोग बहुत नाराज़ हो गए। उसके बाद हम इधर उधर देखने गए तो देखा कि बड़ी गरीबी, एक तरफ बहुत अमीर लोग और एक तरफ बहुत ही गरीब लोग, बंगाल से भी गरीब लोग पेड़ पे रहते। देखा भाई ये कैसे, कहले ये लोग हैं ये बड़ी प्रेत विद्या करते हैं, स्मशान विद्या करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, उसी से पैसा कमाते हैं।
मैंने कहा पैसा क्या कमाते हो, तो पेड़ पे रहते हैं, उनकी हालत तो ये। उसके बाद मैंने उनसे एक बात कही, इशारा, देखिए आप समुद्र के किनारे बैठे हैं, संभल के रहिए, समुद्र आपका पिता है और जो पिता है वो अत्यंत पवित्र है, उसके किनारे बैठ करके आप ये गड़बड़ काम मत करिए, अगर ये बिगड़ गया तो आप सबका सर्वनाश होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता, मैंने कहा हो जाएगा, देख लीजिए, एक तो हमने आपको चेतावनी अब दे दी, अब चेतावनी के बाद फिर अगर गड़बड़ हुई है तो फिर हमसे न कहना। उसी साल वहाँ पर एक बहुत बड़ा इसी तरह का एक टाइफून का नाना आया और वो सबको लटका गया, सब लोग पेड़ पे लटक गए, हजारों लोग मत। उसके बाद सब जब मैं दिल्ली आई तो सब मोटरे लेके दिल्ली पहुँची कि माँ हमको माफ़ कर दो। हमने कहा बेटा आप क्या माफ़ करने का, जो था सो तो गया, ये तो गड़बड़ तुमने काम करा, मैंने तुमको चेतावनी दी। यही मैं कह रही हूँ, ये चेतावनी आ रही है आपके पास, ये गलत लोगों को यहाँ से हटाइए। और वहाँ के जो गरीब लोग जो ये करते थे प्रेत विद्या, स्मशान विद्या आदि, वो सब के सब पेड़ में लटके हुए नजर आए। तो जिस वक्त ये काली विद्याएं और इस तरह की चीज़ें चलती हैं तो वो सकिंग कर लेती, वो अंदर अपने अंदर खींच लेती हैं इस तरह के आतंक को, जो बाहर से आ करके सब दूर नष्ट भ्रष्ट कर देता है। हालांकि हमारे आने से पहले अधिकतर ऐसा होता है, इंग्लैंड में भी हमने देखा, जहाँ भी हम जाते हैं तो बड़ी बिजली कड़कती है और बहुत बरसात होती है, सब एकदम साफ धुल जाता है तो हम पहुँचते हैं, लेकिन तो भी लोगों की समझ में नहीं आता है कि हमें अपनी सफाई खुद ही करना चाहिए। क्यों सृष्टि से कहा जाए, कभी कभी वो भी ऐसा हो जाता है कि उसमें बहुत कुछ नष्ट भी हो सकता है। इसलिए अगर आप ही सत्य को मान लें और स्वीकार कर लें और अपने को सत्य के रास्ते पर सफाई पर ले आए, तो सत्य कहीं और से आप पर प्रकट हो तो बड़ा भयंकर होता है, बहुत जोरों में उठता है वो, और उसकी जो चाल होती है उसके अंदर बहुत से अनाथ, दुखी, बेसहाय और बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि इंसान ही सत्य पे आ जाए और इंसान ही अपने को साफ कर ले, न कि सारी सृष्टि, चराचर सृष्टि में ये बात फैल जाए कि चलो अब कलकत्ते को ठिकाना लगाना है तो यहाँ 8-10 को मारो, और उसका कोई फ़ायदा तो होता नहीं, कोई इसको समझता भी नहीं, कोई इस भाषा को इनकी समझता नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि हम तो रोज़ देवी के मंदिर जाते हैं, फिर ये प्रकोप क्यों हो गया। उस देवी के मंदिर में भी वहाँ बैठे हुए हैं राक्षस, बिल्कुल उनके सामने बैठे हुए, बड़ी हिम्मत करके बैठे हुए हैं। हालांकि जिस वक्त देवी जागृत होंगी तो पता चलेगा एक एक का ठिकाना हो जाएगा। एक बार गंगा जी में जागृति आई थी तो सब जितने भी ऐसे पंडे वंडे लोग थे सब अपनी खटिया उठा करके सामान लेके भाग रहे थे। मैंने देखा था टीवी में, मैंने कहा अच्छा हुआ गंगा जी ने ठिकाने लगा दिया सबको, जितने भी हरिद्वार से लेकर के पटने तक जितने भी लोग थे सब अपने झोले उठा करके भाग रहे थे। लेकिन तो भी मनुष्य सीखता नहीं है, अगर उस पर निसर्ग से कोई उपचार हो तो सीखता नहीं है, सिर्फ वो सीखता है अपनी आत्मा से। इसलिए आप सहयोग को प्राप्त हो, कोई सी भी ऐसी बीमारी नहीं जो सहयोग ठीक नहीं कर सकती, कोई सी भी ऐसी विपत्ति नहीं जो दूर नहीं हो सकती, हर तरह की मुश्किलें दूर हो सकती, लेकिन पाने के बाद श्रद्धा होनी चाहिए। जो अंधी श्रद्धा नहीं है, देखी हुई बात है, आपने पाया है, आप अपने में विराजमान होइए, आप स्वयं अपने सिंहासन पर बैठिए, आपने पा लिया है, आप क्यों अब भी भिखारी जैसे बैठे हैं, आप आराम से समझ लीजिए कि आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं और उसके सिंहासन पर बैठिए और उसके आशीर्वाद से पूरी तरह से बेफिक्र होकर के अपनी ज़िंदगी का सबसे अत्युत्तम जो कुछ भी है उसे पाइए। उसमें ये नहीं मैं कहती कि कोई आप सन्यासी भाव से बैठेंगे या कोई आपका सब कुछ छूट जाएगा, कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी उपभोग शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, जैसे